करा भेड़िए अपना। ओ क्या बात है भाई भिड़ा, सखाराम तो एकदम चमक रहा है। अरे भाई चमकेगा ही ना, मैं रोज टाइम टू टाइम इसकी सफाई करता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराता हूँ, टाइम टू टाइम तेल पानी पेट्रोल सब चेक करता हूँ भाई। क्या बात है भाई, गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी का एक मेंबर सखाराम एकदम उसके तो ठाट है। उनके ही ना भाई बिल्कुल। चल भाई देखा आधे में सेल स्टार्ट हो गया कि नहीं। क्या बात है, चलिए सखाराम। समझ गया भाई, बंद कर। हाँ हाँ अरे बंद कर, बंद नहीं हो रहा भाई ये सकरम, क्या हो गया तुझे भाई, बंद हो जा। क्या बात है भाई भिड़े, तू तो रोज सुबह उठ के सफाई करता है, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाता है, रोज ये पेट्रोल ऑयल पानी सब चेक करता है, तो फिर ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या मालूम वो अपने आप ही। अरे ए, भाई सकरम शांत हो जा भाई। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मुझसे यह ध्वनि प्रदूषण सहन नहीं होगा भाई, मैं चल रहा हूँ। चलो क्या हो गया, बंद हो गया ना, चलो। नहीं वो बंद नहीं हुआ, दरअसल मैंने स्कूटर बंद कर दिया। ओ, ओ, ओ। लेकिन बैठो बैठो भाई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, अभी आवाज नहीं करेगा सकाराम है ना। अच्छा चल भाई सकाराम, क्या कर रहे तुम भी? अरे अरे भाई भिड़े, तू इसको सोड़ी के पास लेके जा, वरना पूरे रास्ते में सब परेशान होंगे। हाँ अभी वही करना पड़ेगा। और मुझे वहाँ बाहर नाके तक छोड़ दे, मैं वहाँ से रिक्शा ले लूंगा। अरे चलो। हाँ भाई अरे पिड़ो की हो गया, हॉर्न बंद कर यार। अरे हॉर्न ही तो बंद नहीं हो रहा ना थोड़ी। बोल पिड़ो बोल, की खुशखबरी है? अरे खुशखबरी नहीं है, अरे खुशखबरी नहीं है भाई, खबर ये है कि इसका हॉर्न बंद ही नहीं हो रहा है भाई। अरे क्या हुआ, मैंने जैसे स्कूटर चालू किया ना सुबह, तो हॉर्न बजाया ऐसे ही, तो हॉर्न चिपक गया। ओ पिड़ो, ओ फिकर मत कर, हॉर्न ठीक हो जाएगा, चालू कर। अच्छा बंद कर, वापस चालू कर। हाँ बंद कर, फिर तो चालू कर। क्या चालू बंद चालू? पिड़ो मैकेनिक कौन है? तो चालू तो किया था, समझना पड़ता है प्रॉब्लम को। पिड़ो पिड़ो बंद कर। अरे भाई मुंडी क्यों ला रहे हो, बताओ ना, मुझे टेंशन हो रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पिड़ू। बड़ी प्रॉब्लम मतलब वो ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पिड़ू। नहीं मतलब वायरिंग में प्रॉब्लम होगी ना, मेन इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक हो जाएगा ना प्रॉब्लम? पर तेरे पास इसका इंश्योरेंस तो है ना? इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, खर्चा अगर ज्यादा हो जाए तो जरूरत पड़ेगी ना। ज्यादा हो जाएगा तो मतलब इतना ज्यादा खर्चा होगा? हो भी सकता है। अरे बता भाई मुझे टेंशन हो रहा है। अरे भाई ए, भाई तू हंस क्यों रहे भाई, बता तो सही बात क्या है? कैसा बकरा बनाया? बकरा मतलब तुम मजाक कर रहे थे? हम गोकुलधाम वाले तो रोज मजाक करते हैं यार। अच्छा सच बता तू डर गया था ना? डर गया था मतलब मैं अभी भी डरा हुआ हूँ भाई, इसका प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है सोड़ी। ओए इसकी तो ऐसी की तैसी, कैसे इसको ठीक करता हूँ। अरे इसका हॉर्न तो बंद हो गया। अरे वाह वाह, थैंक यू सुड़ी, क्या बात है। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारा मुक्का पड़ते हॉर्न कैसे बंद हो गया। ओ ये रोशन सिंह सोड़ी के मुक्के से बड़े बड़े बंद हो गए, और ये तो अपने घर का बच्चा ऐसा करा। अरे नहीं वो बात बराबर है सोड़ी, लेकिन मैं एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम क्या है कि सर्दी का मौसम हो गया है तो वायरिंग कई बार आपस में जुड़ जाती है, उसको जब चटका मारते हैं ना तो वायरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
और वैसे भी क्या है, हम लोग मैकेनिक है, हमको पता है कि मुक्का कहाँ मारना है। वाह वाह वाह, क्या बात है छोड़ी, थैंक यू सो मच। अब मोस्ट वेलकम यारा। अच्छा इसका बिल कितना हुआ? क्या बोला क्या बोला तुम, बोल बोल ना। अरे नहीं नहीं, मतलब तुम होटल के गैराज के मालिक हो ना, तो गाड़ी ठीक हो जाए तो तुम बिल देते हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई। ओए फालतू बकवास की ना, तो सखाराम को फिर से मुक्का मार के इसका हॉर्न चालू कर दूंगा। सॉरी तू तो बिगड़ गया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मैं भी मजाक कर रहा था यार। चलो फिर शाम को मिलते हैं ना। चलो ओके, चलो और कोई भी टेंशन वेंशन ना, फोन कर दे उसे। हां हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो ओके मिलते हैं। चल ब्रो, आज मैं एंजॉय योर डे।